माता बसैया थाना क्षेत्र में एसआई रमन सिंह की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। परीक्षा गांव की अवधेश रजनी तोमर मिथ्या एवं झूठे आरोप एसआई रमन सिंह पर लगाए हैं। वहीं मीडिया में असत्य झूठी खबरों का प्रसारण किया गया है। माता बसैया थाने में अवधेश तोमर के ऊपर पूर्व में कई मारपीट के मामले दर्ज हुए हैं। अभी हाल ही में महिला से जाति सूचक शब्द कहने के इनके ऊपर एससी एसटी एक्ट का मामला अभी हाल में ही माता बसैया थाने में दर्ज हुआ है। उस मामले की विवेचना एसआई रमन सिंह के द्वारा की जा रही है। एसआई पर मामले से निकालने के लिए ये दबाव अवधेश रजनी तोमर द्वारा मिथ्या झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र मीडिया पर खबर प्रसारण कराकर किया जा रहा है। कुछ आरोप लगाए हैं कि पैसे के लेन देन का मामला सामने आ रहा है, ये क्या मामला है? पूरा ये मामला पूरा तथ्यविहीन है। ये मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ये षड्यंत्र रच रहा है मेरे खिलाफ। इसके खिलाफ थाना माता बसैया में मारपीट, गाली गलौज और जाति सूचक गालियां संबंधी थाने में 3 अपराध है पंजीबद्ध है। अभी वर्तमान में कौन सा अपराध जो पंजीबद्ध है उसकी वजह से ये आपके पास आया? वर्तमान में इसके खिलाफ एक एससी की महिला शीतल जाटव को गंदी गालियां और जाति सूचक गालियां दी, उसी के आधार पर इसके एससी एसटी एक्ट का मामला दर्ज है। ये आरोप मेरे ऊपर मेरी छवि धूमिल करने के लिए लगा रहा है। वो ऑडियो बिल्कुल मेरा नहीं है, वो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मेरा बता रहा है, जबकि उसमें मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। उन्होंने मामले को चलाया है और कुछ महिला से अवैध संबंधों का भी मामला बताया जा रहा है। इसमें क्या है कि कुछ मीडिया कर्मी मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ये खबरें प्रकाशित कर रहे हैं, जबकि मैंने उस महिला से कोई बात नहीं कही। उसके पति से कई फोन पे मैं बात करता था। वो महिला मेरे खिलाफ चिकन शराब का आरोप जो लगा रही है वो निराधार है। मैंने उसको आज तक कोई ये इस तरह की मांग नहीं की उससे। ये निराधार खबर है बिल्कुल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।